कुंडली के छह भाव को ज्योतिष में मुकदमेबाजी, कलह, रोग और कंपटीशन का भाव माना गया है, क्योंकि इस भाव के कारक तत्वों में रोग, मुकदमेबाजी और कलह है। इसलिए अनेकों ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि छह भाव का स्वामी जब भी लग्न अथवा लग्नेश से संबंध बनाएगा तब कुंडली को कमजोर कर देगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी स्ट्रगल होगा, किंतु ये अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। छह भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, छह भाव कंपटीशन का भाव है और छह भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को कंपटीट करने की क्वालिटी दे देता है, और कोई भी व्यक्ति जब तक कंपटीशन नहीं करेगा तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर कंपटीट करने की क्वालिटी नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए छह भाव को सफलता की कुंजी वाला भाव कहा जाता है। छह भाव को शत्रुओं का भाव कहा गया है, किंतु वास्तविकता यह है कि शत्रु भी उसी के होंगे जिसके पास कुछ कर गुजरने की शक्ति होगी। छह भाव को मुकदमेबाजी का भाव कहा गया है। जब भी छह भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत लॉजिकली बात करेगा, ऐसा व्यक्ति अच्छी आर्गुमेंट कर सकता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो भी लोग ऐसे प्रोफेशन से जुड़े होते हैं जिसमें कि आर्गुमेंट का यूज हो, लॉ का यूज हो, ऐसे लोगों की कुंडली में छह भाव के स्वामी का संबंध लग्न अथवा लग्नेश से बनता ही है। इसलिए वकीलों की, जजों की कुंडली में अक्सर छह भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ मिल जाता है या लग्न से संबंध बनाता हुआ मिल जाता है। छह भाव डेली रूटीन का भाव है। जब भी छह भाव का स्वामी लग्न में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में एक पैटर्न से चलते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की इम्यूनिटी भी कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते या कह सकते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं। अगर लग्नेश कमजोर है तो ज़रूर ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किंतु केवल छह भाव के लग्न में बैठने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देगा। ये व्यक्ति को एक अच्छा रूटीन फॉलो करने की शक्ति देगा और उस वजह से ये लोग अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रांग कर पाते हैं। इसलिए माना जाता है कि जब भी छह भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा ऐसे लोग काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी वाले होंगे। अब ये भी कहा जा सकता है कि भाई जिसके पास रोग होगा वो ही तो रोग से बचने की कोशिश करेगा, ये कहा जा सकता है। इतना प्रभाव आता है कि छह भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा बहुत लाइफ में हेल्थ के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, किंतु ये रोगी बना देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छह भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को सडन गेन भी दे सकता है। इसके रीजन क्या है देखिएगा, छह भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है, अर्थ यानी कि धन त्रिकोण का भाव है, और पंचम भाव सडन गेन का भाव है, अष्टम भाव सडन गेन का भाव है, गुप्त धन का भाव है। पंचम भाव सडन गेन और अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है। अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव के धन भाव का, परिवार भाव का स्वामी होता है छह भाव, वहीं अष्टम भाव यानी कि गुप्त धन का जो लाभ भाव होता है वो भी छठा भाव होता है। और लग्नेश क्योंकि आप हैं तो ऐसे में जब छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को सडन गेन करने की क्षमता, सडन गेन प्राप्त करने की क्षमता दे देता है। वो क्षमता देता है व्यक्ति को अपने साहस से, अपने रिस्क लेने की क्वालिटी से, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जब भी लग्न में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होगा, ऐसे व्यक्ति की विल पावर बहुत अच्छी होगी, ऐसा व्यक्ति प्लानिंग करने में एक्सपर्ट होगा। तो इस वजह से छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठकर व्यक्ति को सडन गेन दे देता है, और इसलिए जब छठेश लग्न में बैठता है तो व्यक्ति कई बार जुए, सट्टे इनमें भी एक्टिव हो जाता है और वहां पर सफलता प्राप्त करता है। तो ये छठे भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को कुछ पॉजिटिव गुण देता है। और एक पहले भी मैं वीडियो में कह चुका हूं कि
जब तक किसी कुंडली में छठे भाव का स्वामी लग्न या लग्नेश से नहीं है, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता, स्पेशली पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट जॉब में। आप देख लीजिएगा किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हॉरोस्कोप देख लीजिएगा, किसी भी अच्छे पॉलिटिशियन का हॉरोस्कोप देख लीजिएगा, उस व्यक्ति के लग्न अथवा लग्नेश का छठे भाव से संबंध होगा ही होगा। होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।